जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आरए में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप वार्म अप में जो मैच है, जो मैच के बारे में। तो ये खेला जाएगा आपका न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारे प्राइम टीम में। एशिया कप में जैसे हमने एक तरफा विन किया, प्लेयर्स के बारे में थोड़ा आपको इंटरनल न्यूज़ के वजह से हमने एक तरफा क्लीन स्वीप किया। फाइनल में भी मोहम्मद सिराज हमारे कैप्टन थे। इसी में वैसे ही वर्ल्ड कप में भी हमें बहुत से अपडेट्स मिलेंगे और जो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, वीडियो में शेयर करूंगा। तो वो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना है दोस्तों। तो अगर बात करें इस मैच की, उससे पहले दोस्तों शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग से एक बार जल्दी से दिखा देते दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन करे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक से एक बार दिखाते दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है, जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने, कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। पहले चलते हैं मैच पर, उसके बाद चलेंगे क्रिएट टीम पर, और पहले फिल्टर लगाएंगे न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग की बात करें, ट्रेंट बोल्ट, ईश सोदी, टीम साउदी, फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, यह से वार्म अप मैच का खासियत है कि 15 में से 15 प्लेयर ही खेल सकते, लाइनअप्स का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बनता नहीं। जैसे ट्रेंट बोल्ट और ईश सोदी दोनों आपको खेलते देखेंगे, दोनों में टीमें रखूँगा। यहाँ से मिस स्टैंटनर
और जेम्स ने शायद अच्छी रविंद्र रविंद्र और सैंट ने दोनों मेरे टीम में आएंगे, ऐसे विलियमसन तो कौन भी। बाकी ऐसे ये छः प्लेयर्स ही अपने टीम में इंपॉर्टेंट है, बाकी मुझे कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट लगता नहीं है दोस्तों। केन विलियमसन की बात करें मैं शायद इनको ड्रॉप भी कर दूँ, रीजन इंजुरी से आया है दोस्तों, मुझे लगता नहीं इंजुरी के आने के बाद इनके पहले जैसी फॉर्म रही होगी दोस्तों, कुछ टाइम तो लगेगा इनको बैक टू फॉर्म आने में दोस्तों। तो यहाँ से अगर बात करें पाकिस्तान की टीम की, यहाँ से आपके रिजवान और मोहम्मद हैरिस, मुझे लगता है कि यहाँ से मोहम्मद हैरिस सॉरी खेलेंगे नहीं ये वाला मैच, रिजवान ही आपको खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। तो हम लोगों को रिजवान को डायरेक्टली अपने टीम में रख लेना है दोस्तों। बैटिंग से बाबर आजम, इमामुल्ला, फ़खर जमान, ये तीनों को खेलते देखेंगे। तो बाबर आजम को अपनी टीम में रखूँगा मैं, इमामुल्ला को, फ़खर जमान को अभी मैं टीम में रखूँगा नहीं दोस्तों। शादाब खान यहाँ से आई, हम इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज़ और आगा सलमान, जैसे मेरे टीम में ना शादाब खान, इफ्तिकार अहमद दोनों आएंगे, नहीं इफ्तिकार अहमद यहाँ से रेफ और हेरिसरफ और शाहिन शाह अफरीदी। हेरिसरफ की बात, हसन अली की बात करें, नसीम शाह के बदले इनको एज इंजरी रिप्लेसमेंट टीम में लाया गया था दोस्तों, हसन अली को दोस्तों। इनको मैं मोहम्मद वसीम जूनियर, ये जो प्लेयर है दोस्तों ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हैं, इनको आप ले सकते हो दोस्तों। बाकी अभी के लिए आप मेरे टीम का तो प्रीव्यू देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने भी अपनी टीम रेडी कर चुकी है। अगर इसे मुझे कुछ चेंज करना पड़े दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। कैप्टनसी की बात करें दोस्तों, मेरे जो कैप्टन होंगे दोस्तों मैं अपना कैप्टन बनाऊँगा या से ट्रेंट बोल्ट को, वाइस कैप्टन ईश सोदी को बना के ये टीम में सेव करूँगा दोस्तों। मेरे वाइस कैप्टन तो शायद फिक्स है, कैप्टन मैं ट्रेंट बोल्ट को हटा के शायद मैं यहाँ से कॉनवे को अपना कैप्टन बना सकता हूँ। बाकी अगर मैं ये चेंज करता हूँ मैं आपके टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग में आपको रचित रविंद्रा को एक टीम में कैप्टन बनाना है, वाइस कैप्टन आपके रिजवान को एक टीम बना देना है और दूसरे में बाबर आजम को, ये तीन टीम आपकी बन चुकी है दोस्तों, सॉरी दो टीम बन चुकी है दोस्तों। तीसरे में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको आपको क्या करना है, इन दोनों को अपना सी और बी सी बनाना है। थर्ड टीम में कॉनवे और कौन, फोर्थ टीम में कॉनवे और विलियमसन का कैप्टन सी बी सी बनाना है, यहाँ से शादाब खान और मिड सेंटर, इन दोनों को आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन सी और बी सी बनाना है। कुछ इस तरह से आपको दो तीन कॉम्बिनेशन, आठ नौ कॉम्बिनेशन बन जाएगा दोस्तों, इस तरह से आपको ग्रैंड लीग की टीम्स बनानी है दोस्तों। तो बाकी अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना पड़े अपने टीम में मैं आपको तो टेलीग्राम पर ही बता देता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर नए हैं पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। तो बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।